Hello friends, in the last video we have studied about the signal flow graph and we have also solved some basic numericals to understand the theory of signal flow graph. In this video we will solve some complicated numericals, okay, to understand the more concept behind the signal flow graph. Okay, so first numerical is depends upon multiple input and multiple output system. Okay, so there are two inputs R1 and R2 and there are two outputs C1 and C2. Okay, so there are R1 R2 inputs and C1 C2 outputs. The gain is 1 here, then there is another node, the gain is G1, there is another node, okay, the gain is G2, then there is another node and gain is 1. Similarly, below side, the gain is 1 node, then gain is G3, then there is another node, then gain is G4, then there is a node, then gain is 1. Okay. Now, similarly here, there is a feedback path in the upper side with gain minus H2. Okay. Here also there is a feedback path with gain minus H4 and there is another feedback path with gain minus H3. Okay. Now, there is a connection from this node to this node. Okay. And the gain is G5. Okay. Now, there is a one more connection from this node to this node and the gain is G6. Okay. So, this is my complete question. Now, in this question, we want to determine four things. First is C1 upon R1. Second thing, C2 upon R2. Third thing, C1 upon R2 and fourth one is C2 upon R1. Okay. So, this four questions we need to solve. Okay. So, यहाँ पर हमें चार questions solve करने हैं. First is C1 upon R1. Now, what is C1 upon R1? So, C1 upon R1 के लिए same concept होगा जो हमने last video में देखा हुआ है. आपको R1 से C1 के बीच पहले आपको forward path choose करने होंगे, forward path identify करने होंगे. अगर आप forward path identify करने के लिए जाते हैं, तो एक forward path आपको direct दिख रहा है यहाँ पर, from R1 to C1, कितना है आपका, G1, G2, okay? So, P1 is G1, G2, okay? Now, क्या कोई दूसरा forward path possible होगा? अगर आप इस block diagram को ध्यान से देखेंगे, तो इस block diagram में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस हैं, ओके, सो हो सकता है कि यहां दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो, तो आपको एक-एक पॉइंट पे जाके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ओके, सो अगर मैं R1 से स्टार्ट करता हूं, सो ये एक पाथ है, ओके, नाउ यस पाथ मुझे मिल रहा है आगे जाने के लिए, अगेन दिस इज द पाथ एंड लास्ट दिस इज द पाथ एंड वी विल रीच टू द C1, ओके, यस तो हमारे पास पाथ अवेलेबल है. हम फिर से देख सकते हैं यहां पर 1 G6 minus H4 minus H3 G5 and 1. ओके, सो पाथ क्या हो जाएगा आपका, G6 H4 H3 G5. ओके, सो हो जाएगा आपका G5 G6 H3 H4. ये आपका क्या हो जाएगा, P2. ओके, सो हमारे पास टू फॉरवर्ड पाथ्स हैं यहां पर. ओके, नाउ अब हमें लूप्स ढूंढने होंगे, तो लूप्स यहां पर देखें हम लोग, तो एक लूप तो डायरेक्ट दिख रहा है माइनस G2 H2. सिमिलरली अगर आप बिलो साइड देखें तो आपके दो लूप्स हैं G3 H3 एंड G4 H4. ओके, ये हमें ध्यान रखना होगा कि H2 H3 H4 तीनों में आपका क्या है, माइनस है. ओके, सो आपके थ्री लूप्स दिख रहे हैं आपको, L1 G2 H2 माइनस साइन, L2 माइनस G3 H3 एंड सिमिलरली आपका है L3 माइनस G4 H4. ओके, कोई और लूप है क्या, अगर हम देखें अगर हम G1 से स्टार्ट करते हैं, ओके, सो क्या हम वापस आ सकते हैं, नो, यहां पर आपका अपोज हो गया. ओके, अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो क्या आप वापस आ सकते हैं, नो, क्योंकि यहां से अपोज हो जाएगा. सो कोई पाथ नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, तो सिर्फ आपके पास थ्री लूप्स ही हो पाएंगे यहां पर. ओके, सो हमें अब ये चेक करना है क्या यहां पर नॉन टचिंग लूप्स हैं क्या,
तो आप देख सकते हैं जो G3H3 वाला लूप है आपका वो G2H2 वाला लूप से क्या है, नॉन टचिंग है। सिमिलरली जो G4H4 वाला लूप है वो G2H2 वाला लूप से क्या है आपका, नॉन टचिंग है। ओके, सो देयर आर टू नॉन टचिंग लूप्स। ओके, सो नॉन टचिंग लूप्स आपके क्या क्या हो जाएंगे यहां पर, L1, L2 and L1, L3। ओके, नाउ अब अगर हम यहां पर डेल कैलकुलेट करें तो डेल क्या होगा, 1 minus L1 minus L2 minus L3 plus L1, L2 plus L1, L3। ओके, नाउ अगर हम डेल के कैलकुलेट करें तो फर्स्ट इज डेल वन। डेल वन क्या होगा आपका, डेल वन अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी 3 to 4 times रिपीट किया है इस चीज को। डेल वन इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो आप देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपका क्या है, फ्रॉम R1 to C1, दिस इज द पाथ। ओके, सो यहां पर आपका कौन कौन सा लूप टच हो रहा है, G2H2 वाला सिर्फ टच हो रहा है, G3H3 वाला एंड G4H4 वाला टच नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ G2H2 जो कि L1 था वो जीरो हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 minus L2 minus L3। अब आप कह रहे हैं कि L1 जीरो हो रहा है, तो दोनों के दोनों जो आपके नॉन टचिंग लूप्स गेन्स हैं वहां पर भी L1 आ रहा है, तो ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज डेल टू, अगर आप डेल टू को ध्यान से देखिए तो डेल टू इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ, यानी सेकेंड फॉरवर्ड पाथ। तो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ आपका क्या था, ये था आपका फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो इसमें आपका G4H4 टच हो गया, G3H3 भी टच हो गया एंड लास्ट G2H2 भी टच हो गया, तो L1, L2, L3 सारे लूप्स आपके टच हो गए इस फॉरवर्ड पाथ में, तो डेल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। ओके, नाउ C1 upon R1 क्या हो जाएगा आपका, मेजॉन्स गेन फॉर्मूला से P1 del 1 plus P2 del 2 divided by del। तो ये आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन हम यहां ले सकते हैं, देर आर 4 क्वेश्चंस ना, सिमिलर टाइप के ही हैं, तो हम एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग कर लेते हैं C1 upon R2 मींस थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन C1 upon R2, ठीक है। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, C1 आपका आउटपुट है और R2 आपका इनपुट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हुए एक पॉइंट कहा हुआ है कि डेल ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम, ठीक है ना, आप कोई भी इनपुट कंसीडर करिए, आप कोई भी आउटपुट कंसीडर करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम हमेशा सेम रहेगा। चेंजेस कहां आएंगे, सिर्फ और सिर्फ पी में, फॉरवर्ड पाथ में एंड डेल के में। ओके, नाउ अगर हम R2 से C1 तक फॉरवर्ड पाथ चूज करें तो एक फॉरवर्ड पाथ आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है ना, दैट इज G5। तो हमें एक फॉरवर्ड पाथ तो यहां पे मिल गया, P1 इज इक्वल टू G5। नाउ क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ है यहां पर हमारा, हम देखते हैं यहां से, अगर हम R2 से स्टार्ट करें और G3 G4 से होकर जाएं तो ये पाथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि G6 साइड से एरो क्या है आपका, अपोजिट है। ओके, और कोई पाथ अवेलेबल ही नहीं है। ओके, सो एक ही फॉरवर्ड पाथ होगा आपका, दैट इज G5। नाउ उस फॉरवर्ड पाथ के रेस्पेक्ट में डेल वन कितना होगा, हम जानते हैं डेल वन इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द फॉरवर्ड पाथ। तो आप देख सकते हैं G5 वाले फॉरवर्ड पाथ में ये जो G3H3 वाला लूप है वो टच हो गया यहां पर। नाउ जो G2H2 वाला लूप है वो भी आपका टच हो गया, ठीक है ना, तो सिर्फ कौन सा लूप रह जाएगा आपका, G4H4 वाला, जिसको आपने क्या नेम दिया हुआ है, L3। सो सिर्फ और सिर्फ आपका L3 रह जाएगा। ओके, तो डेल वन कितना हो जाएगा, 1 minus L3, ठीक है ना, क्योंकि आपका L1 भी जीरो हो रहा है और L2 भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो नाउ आपका जो C1 upon R2 होगा वो क्या हो जाएगा, P1 del 1 upon del, सारी वैल्यूज हमारे पास है। ओके, सो इस तरह से आप ऑल 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल हम लोगों ने अभी सॉल्व नहीं किया है, आप लोग इसे सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखिए। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी नीड टू डिटरमाइन Y upon X। ओके, एंड दिस इज माई सिग्नल फ्लो ग्राफ, योर एक्स इज द इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट। ओके, इन द
x, there is a loop, self loop with gain A. In the y, there is also the self loop with the gain B. Okay. And we need to determine y by x. Okay. So, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ओके, और यहां पर आपका जो गेन है वो 1 है, ठीक है? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि आपको y by x कैलकुलेट करना है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो इनपुट वेरिएबल होता है, तो x यहां पर इनपुट वेरिएबल है, लेकिन आप अगर यहां पर देखें सिग्नल फ्लो ग्राफ में, x में एक इनकमिंग ब्रांच है, ओके, मैं आपको लास्ट 2 वीडियो से इस पॉइंट को बार-बार हाईलाइट कर रहा हूं कि इनपुट नोड इज अ नोड व्हिच हैविंग नो इनकमिंग ब्रांच. तो ये जो आपका x है वो इनपुट नोड नहीं हो सकता है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि हमने जब लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था जहां पर आपका एक नोड इनपुट नोड नहीं था, तो हमने क्या किया था कि इनपुट नोड के रेस्पेक्ट में हमने 2 डिफरेंट कैलकुलेशन किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका और कोई नोड अवेलेबल ही नहीं है, तो आप किसे इनपुट नोड कंसीडर करेंगे? एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई इनपुट नोड है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि x और y दोनों नोड्स पे ही इनकमिंग ब्रांचेस हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डमी नोड क्रिएट करते हैं. सो सपोज करिए हम एक डमी नोड क्रिएट कर रहे हैं r, ओके, और ये आपका नोड x है, तो r और x के बीच हम गेन देते हैं 1, ठीक है ना, 1 गेन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ओके. सो इस तरह से डमी नोड क्रिएट किया जाता है, तो x आपका वही का वही रहेगा, गेन a, ओके, यहां पर अगेन गेन 1, और आपका y में क्या हो जाएगा, गेन b हो जाएगा, ओके. तो अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप कैलकुलेट करेंगे y अपॉन r एंड x अपॉन r, ओके. तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं r r कैंसिल हो जाएगा और y by x कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जब हम y by r कैलकुलेट करते हैं एंड x by r कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा r इनपुट नोड होता है, और अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से यहां पर चेक करते हैं तो r जो है वो इनपुट नोड की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. क्यों? क्योंकि r में कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं है, ओके. सो अगर हम यहां पर सबसे पहले y by r कैलकुलेट करें, तो y by r मींस फ्रॉम फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड, ओके, फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 × 1 1, ओके, एंड लूप्स क्या हो जाएंगे आपके, l1 कितना हो जाएगा, a, L2 क्या हो जाएगा, B, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि L1 L2 आपके क्या है, नॉन टचिंग है, बहुत इजीली दिख रहा है फिगर में, ठीक है. तो एक पेयर हो जाएगा आपका नॉन टचिंग लूप्स का. नाउ अगर आप डेल 1 कैलकुलेट करें यहां से, तो यहां पर एक फॉरवर्ड पाथ है, तो एक ही डेल होगा, डेल K होगा, ओके. सो डेल 1 क्या है, डेल 1 इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स व्हिच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. तो आप देखिए यहां पर दोनों ही लूप L1 L2 फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो आपको दोनों को ही क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, तो डेल 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ओके, क्लियर है पॉइंट. हम चाहे तो साइड में डेल भी लिख सकते थे, यहां पर डेल क्या हो जाएगा आपका, 1 -L1 -L2 + L1 L2, ओके. सो डेल आपका क्लियरली जब आप L1 L2 को 0 पुट करेंगे, तो डेल कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ओके. नाउ y by r अगर हम यहां पे लिखें, तो y by r हो जाएगा p1 is what, 1, ओके. सो p1 del 1 1 cross 1 1 हो जाएगा upon del, ओके. नाउ ये हो गया आपका 1 by del. नाउ अब अगर मैं यहां पर x by r कैलकुलेट करूं, सो x by r में सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, डायरेक्ट है यहां से, 1 हो जाएगा, ओके. सो p1 is 1. Now, del 1 क्या हो जाएगा आपका? हमें पता है, del 1 is same as del by excluding the loop gains which are touching the first forward path. So, आप देखिए, forward path में कौन सा loop touch हो रहा है यहाँ पर? ये A gain वाला loop touch हो रहा है आपका, तो A वाला क्या हो जाएगा? Exclude हो जाएगा. That means, आप L1 की value 0 put कर देंगे अपने del के formula में. तो आपका answer क्या हो जाएगा? आपका answer हो जाएगा 1 minus L2 हो जाएगा. Okay, आप चाहें तो value put कर दीजिए यहाँ पर. 1 - b हो जाएगा, ओके. तो आपका आंसर क्या हो गया x / r का, आपका आंसर हो जाएगा p1 del 1 दैट इज 1 - b अपॉन del, क्योंकि हम जानते हैं del तो सिस्टम के लिए सेम रहता है. तो चाहे आप y / r कैलकुलेट करिए, चाहे आप x / r कैलकुलेट करिए, आपका जो del है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके. सो हमारा जो फाइनल आंसर है
जो कि है हमारा y बाय x, वो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा. ओके सो क्या होगा, 1 बाय डेल डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी अपॉन डेल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी हो जाएगा आंसर आपका. ओके क्लियर है क्वेश्चन. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने लास्ट वीडियो में भी किया था और आज भी कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ही पॉइंट दिमाग में रखना है कि इनपुट नोड इज अ नोड विच हैविंग नो इनकमिंग ब्रांचेस. तो आप एक्चुअली हर एक क्वेश्चन में ये पॉइंट चेक करिए, अगर किसी नोड में इनकमिंग ब्रांच है तो वो इनपुट नोड नहीं हो सकता, आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास एंड लूप आइडेंटिफाई करने हैं. ओके सो हमें एक फिगर दिया हुआ है, यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ है आपका. ओके लाइक दैट. ओके नाउ देयर इज वन मोर ट्राइंगल हियर. ओके लाइक दैट. ओके नाउ देयर इज वन मोर ट्राइंगल. ओके सो ये ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन आपका. ओके नाउ देयर इज लूप. नाउ देयर इज अ इनपुट एक्स and there is one more loop here. Okay, so the last is output y. So this is my figure. And हमें इस question में forward pass and loops identify करने हैं. अगर हमें gain भी identify करना है तो हम एक एक arrow के साथ gain provide कर देते हैं, a b c d e f g h i j and k. Okay. So, अब हमें फॉरवर्ड पाथ्स एंड लूप्स गेन्स आइडेंटिफाई करने हैं. ओके सो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ गेन आइडेंटिफाई करते हैं. तो P1 मींस हमें x टू y तक फॉरवर्ड पाथ चूज करने हैं. x हमारा क्या है, इनपुट है, y हमारा क्या है, आउटपुट है. ओके तो आप देखिए यहां पर x टू y फर्स्ट पाथ इस तरह से हो सकता है आपका a c f k. ओके सो a c f k हो जाएगा यहां से a c f k. ओके नाउ नेक्स्ट पाथ ए डी जी के. ओके ए डी जी के. नाउ नेक्स्ट पाथ आप देखिए फिर से आप यहां से स्टार्ट करेंगे एक्स से ए डी के आई एच के, तो क्या हो जाएगा आपका ए डी आई एच के. नाउ क्या और कोई पाथ आपका पॉसिबल है यहां पर, क्या पी फोर पॉसिबल होगा, तो आप ध्यान से देखिए फिगर को. फिर से हम x से स्टार्ट करते हैं तो a ओके c यस e i h k. ओके तो क्या हो जाएगा a c e i h k. ओके क्या और कोई पाथ पॉसिबल होगा p5, आप फिर से चेक कर सकते हैं a c e. ओके e तक आने के बाद आप g और k को फॉलो कर सकते थे, तो कितना हो जाएगा आपका a c e g k. ओके क्या और कोई पाथ आपका पॉसिबल होगा यहां पर, आप फिर से चेक कर सकते हैं a c e. e के बाद आने के बाद आपने g के थ्रू आप चले गए. ओके आप i के थ्रू चले गए, और कोई पाथ अवेलेबल नहीं है e के थ्रू भी. ओके आपने सबसे पहले क्या किया था, आप a के बाद आप b के थ्रू आए थे, D के थ्रू आप G के थ्रू चले गए और I के थ्रू चले गए थे, ये दोनों आपके हो चुके हैं P2 और P3. जो P1 था वो क्या था आपका A फिर C और वाया C ओनली एक ही ऑप्शन था वाया F. ओके ओके तो ये भी हो गया. फिर आप E के थ्रू जब आए थे तो E के थ्रू G के थ्रू जा सकते थे और I के थ्रू जा सकते थे, वो भी हो गया. और कोई पाथ यहां पर पॉसिबल नहीं दिख रहा है. ओके सो टोटल आपके 5 पाथ्स होंगे, 5 फॉरवर्ड पाथ. ओके नाउ अब अगर मैं लूप गेन्स की बात करूं, ठीक है, तो लूप आप देखिए L1 आपका कहां पर हो सकता है, ये क्लियर दिख रहा है आपको, ये आपका B C है, ठीक है. L2 भी क्लियर दिख रहा है हमें I J, ठीक है. क्या और कोई लूप आपका पॉसिबल है, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो C E नहीं, आप वापस नहीं जा सकते. ओके और कोई, अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो ई जी नहीं, अगेन आपके लिए पॉसिबल नहीं है. ओके सो इतने ही आपके लूप्स पॉसिबल होंगे, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, अगर और कोई लूप्स मिलता है आपको, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए इसे.
okay,